हेलो एवरीवन, इट्स मी एसआर और आप सभी का ड्रैगन मास्टर के और एनिमेशन में स्वागत है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से कर दो, और हो सके ना तो उस बेल को भी प्रेस कर देना ताकि नए नए वीडियोस का अपलोड आप लोगों के पास पहले पहुंच सके। तो ये वाला एपिसोड कभी स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे हम लोगों ने देखा था जाओ के पास जितने सारे फल थे ना सब कुछ छीनने के लिए, बहुत सारे ज़ॉम्बी ड्रैगन उन लोगों के ऊपर अटैक कर दिया था। और ये देखने के बाद जाओ बेचारा तो सोच में पड़ गया था, क्योंकि जाओ के पास अभी उसका सबसे पावरफुल ड्रैगन बाकी नहीं था जो ना बाहर किसी के साथ लड़ाई करने के लिए चला गया था। जहाँ पे जाओ ना अपने मोहन को बाहर निकलते बाकी सारे ड्रैगन से कहते हैं, अरे चल रही जब तक ना बाइक आते हैं ना हम लोग इन लोगों को ना अच्छे से खाते तरीके होते हैं, वैसे भी जल्दी करो वरना हम लोगों के पास जितने फल है ना सब तो चला जाएगा। और ये सुनने का ही तो देरी था, खाने का जो सफल था छोटू झटपट करके जाके जितने से ड्रैगन थे ना सबको मारना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी ना छोटू के पीछे से ना एक उड़ता हुआ चमकादार बड़ा ड्रैगन आ जाता है जो कि छोटू को अटैक करने वाला था। ये देखने के बाद तो जाओ चिल्लाते हुए कहते हैं, अरे छोटू पीछे तो देखो तुम्हारे पीछे ना एक ड्रैगन आ चुका है। जहाँ पे पीछे मुड़ने के बाद छोटू देखते हैं अरे एक ड्रैगन तो उसे मारने के लिए आ रहा था लेकिन उसे ना वो रुका नहीं पाएगा। पर यहाँ पे टेंशन का कोई बात नहीं था क्योंकि उसका मालिक जाओ जाकर उसे बहुत आसानी के साथ मार देता है। और ये देखने के बाद अभी छोटू कहते हैं, अरे मालिक मुझे पता ही था आप ना सच में बहुत अच्छे हो, अभी चलो ना जल्दी करके मुझे मेरा फल दे दो। और ये सुनने के बाद जाओ कहते हैं, अरे छोटू ये फल तेरे खाने का नहीं है, चल घर चल मैं तुझे ना अच्छे से खाने का चीज दूंगा। पर तभी ना जाओ देखते हैं कि हम लोग तो यहाँ पे ज़ॉम्बी ड्रैगन के साथ फाइट वाइट किए जा रहे हैं, लेकिन ये ग्रेनी है कहाँ पर। तभी ना यहाँ पे ग्रेनी को देखने के लिए मिलते हैं जो कि यहाँ पे बाकी सारे जितने भी फल थे उसके साथ मानो यहाँ पे बात साथ कर रहा था। जिसे देखने के बाद अभी जाओ कहते हैं, अरे ग्रेनी तुम यहाँ पे करके रहो, लेकिन ग्रेनी उसका रिप्लाई ना देते हैं, जितने सारे फल थे उसे तो खा लेता है। और हाँ, इस फल को खाने के बाद ही ना हम लोग ग्रेनी के अंदर भी डीमोनिक साइड का पावर आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये वाला फल ना कोई ऐसा वैसा फल तो नहीं था, ये डीमोनिक गॉड का फल था जिसे खाने के बाद तुम्हारे शरीर के अंदर डीमोनिक पावर आना स्टार्ट हो जाता है। और ये देखने के बाद ना जाओ तो बहुत ही खुश हो जाता और सोच देता कि पता नहीं मेरे ग्रेनी के पास अभी कौन कौन सा नया पावर आने वाला है। भरी हम लोग को ग्रेनी को दिखाया था जिसका बॉडी का एक हिस्से का कलर ना अभी चेंज हो गया था, क्योंकि अभी उसके बॉडी के एक हिस्से में डिवाइन और एक हिस्से में अभी तो डीमोनिक पावर चल रहा था। और जिसे देखने के बाद जाओ सोच रहा था, अरे क्या इस फल का असर खत्म हो गया, मुझे लगा था ये तो फुल्ली ट्रांसफॉर्म होगा लेकिन अभी तो इसका बॉडी का एक ही हिस्सा ट्रांसफॉर्म हुआ। लेकिन तभी ना भुलक कर पीछे लाल पीछे निकलते हुए कहते हैं, अरे जाओ मेरे बच्चे तुम किसके बारे में बात करो, क्या तुम अपने ड्रैगन को ज़ॉम्बी में तब्दील करना चाहते हो, वैसे भी तुम्हारा ये दो ड्रैगन है ना ये कोई ऐसा वैसा मामूली ड्रैगन तो नहीं था, ये एक डिवाइन ड्रैगन है तुम्हें तो पता है, जिसके चलते अभी उसके बॉडी के अंदर दोनों पावर आ चुके। और ऐसा कहना सच में बहुत रेयर है, जहाँ पे मैं रेयर कह रहा हूँ ना तो सच में बहुत रेयर है, तुम्हें पता है ना मैं कितना पावरफुल था, मैं अपनी जिंदगी में ना ऐसा केस कभी भी नहीं देखा। तभी ना हम लोग ग्रेनी भी ना अभी फाइट में तो उतर गया था, जहाँ पे उतरने के बाद वो अपने जो नया पावर है उसका यूज करने लगता है। और ये पावर देखने के बाद जाओ तो चौंक गया था, क्योंकि अभी ग्रेनी ना जिसे कंट्रोल करना था वो कोई ऐसा वैसा मामूली पेड़ नहीं था, जिस पेड़ का फल खाने के बाद वो इतना पावरफुल बना था ना अभी उसी डीमोनिक पेड़ का, जितने से स्काई वायंस है उसे कंट्रोल कर करके ना जितने सारे ज़ॉम्बी ड्रैगन उस पेड़ के आसपास मन रहे थे सबको तो पे ले जा रहा था। और यही पेड़ वो शांत कहाँ रहने वाला था, हम लोग ग्रेनी ना अपने अंदर का जो डीमोनिक और डिवाइन पावर था दोनों को एक साथ मिक्स करने के बाद जितने सारे नीचे पत्ते पत्ते नीचे गिरे हुए थे ना सबको तो मानो जिंदा ही कर दिया था। जहाँ पर छोटे छोटे पत्ते मॉन्स्टर जाने के बाद आसपास जितने सारे बचे हुए मॉन्स्टर थे ना यानी कि ज़ॉम्बी ड्रैगन थे सबको तो खाना स्टार्ट कर दिया था। और ये देखने के बाद जाओ सोच रहा था, अरे देखो तो मेरा ग्रेनी तो सच में बहुत पावरफुल बन चुका है, मुझे लग रहा है ये ना अभी बाकी के साथ भी टक्कर दे देगा। लेकिन तभी ना सबको चौंका दे हम लोग ग्रेनी बाबू तो फिर से और एक जोरदार दहाड़ लगाते हैं, जिसको दहाड़ लगाने के साथ साथ ना उसके 200-300 मीटर रेडियस के अंदर जितने सारे डीमोनिक पेड़ थे सब तो अभी ग्रेनी के कंट्रोल में आ गया था। और जो कंट्रोल में आने के बाद ही ना जितने सारे छोटे छोटे ज़ॉम्बी ड्रैगन थे सबको तो मारना स्टार्ट कर देता है। और ये सब कुछ चीज अपने आंखों के सामने देखने के बाद जाओ सोच रहा था, अरे देखो तो मैं क्या सोच रहा था ये बाकी के साथ टक्कर लेगा, लेकिन ये ना अभी बाकी से तो बहुत पावरफुल बन चुका है। हाँ ये बनेगा ही क्यों ना, मुझे पता ही था ये ना एक डिवाइन ड्रैगन है, लेकिन जब ये छोटा था ना इसके साथ कुछ ऐसा घटता जिसके लिए ये मैच्योर स्टेट में घुस नहीं पाया था, लेकिन अभी ये फलफल खाने के बाद मेरा ये ड्रैगन भी ना लॉर्ड लेवल में पहुंच जाएगा। और मैं देख ही रहा हूँ कि मेरा वो दिन ना ज्यादा दूर नहीं जब मैं पूरा कॉन्टिनेंट को फिर से ही लग रख दूंगा। लेकिन तभी ना पीछे आते हुए कहता है, जाओ मेरे बेटे देखो तो तुम यहाँ पे क्या सोच सोच के इतना खुश हो जा रहे हो, थोड़ा मैं भी तो सुनू, वैसे भी तुम्हें लग नहीं रहा है तुम यहाँ पे कुछ भूले जा रहे हो। जो सुनने के बाद अभी जाओ कहते हैं, क्या आप मुझे यहाँ पे कुछ भूलने की बात करो, आप तो छोड़ ही दो। लेकिन तभी ना हमें फिर से मामू कहते हैं, अरे जाओ तुम्हें पता नहीं क्या ये जो फल है इसका असर ज्यादा देर तक नहीं टिकता। जो सुनने के बाद बेचारा ज्यादा उदास हो जाता है। लेकिन तभी ना कुछ याद आने के बाद फिश मामू से पूछते हैं कि फिश मामू यहाँ पे जिन्हें से ड्रैगन है ये फल वल खाने के बाद तो ज़ॉम्बी बन चुके हैं, क्या मेरा ग्रेनी भी ज़ॉम्बी बन जाएगा, अभी तो वो ना ये फल खा चुके हैं। लेकिन जो सुनने के बाद अभी फिश मामू कहते हैं, अरे छोटे बच्चे जाओ तुम यहाँ पे काहे को टेंशन ले रहे हो, वैसे भी तुम्हारा ये जो ड्रैगन है ना ये सच्ची में बहुत पावरफुल है, तुमने देखा ना कैसे उसके बॉडी के अंदर जो डिवाइन पावर है
वो ना अपने जो डीमोनिक पावर है उसे यहाँ पे सप्रेस किए जा रहे हैं, तो ये जो फल खाना है इसका असर इसके ऊपर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं रहेगा। और ये सुनने का ही तो देर था, जो सुनने के बाद ना झटपट करके हम लोग बाकी फल के पास जाके उसे तो हवा में उछालने लगता है और कहते हैं, अरे देखो तो मेरा ड्रैगन कितना पावरफुल बन चुका है, मेरे पास था अभी बाकी सारे प्रोटेक्ट के तरह ही एक चीट कोड आ चुका है और जिसका यूज करने के बाद ही मैं अपने बड़े बड़े ओपोनेंट को ना एक ही चुटके में हरा दूंगा। अरे बड़े साहब का ऐसे एक्ट देखने के बाद ना सिंगजू तो अपने आपको हंसते हुए रुका नहीं पा रही थी। तभी ना सिंगजू अपने आपको संभलते हुए कह रहे, अरे साहब वैसे भी हम लोग यहाँ पे आए हुए ना बहुत देर हो चुके, जल्दी करके चलो, वैसे भी मुझे पता नहीं बाकी सारे बंदे को ना पानी बिना क्या हुआ। और तभी ना उन लोगों की तरफ एक ज़ॉम्बी ड्रैगन को भाग के आते हुए दिखाया जाता है, जो यहाँ पे भागते हुए आते हुए कह रहा था कि अरे कोई भी चलो मेरे पीछे ना यहाँ पे भूत लग चुका है। और ये ना सच्ची में बहुत फनी था, क्योंकि ये बंदा ना यहाँ पे इंसानों का नकल उतर सकता था। और तभी ये भागते भागते एक जगह पे आके रुक जाता है और रुकने के बाद सोच जाता, अरे देखो तो सामने और एक भूत है जो सामने पूरा का पूरा स्काई वेन को यहाँ पे कंट्रोल किया जा रहा है, अभी मैं भागू तो भागू कहाँ। तभी ना उसके सामने यहाँ पे बाइक की एंट्री होता है, जो आने के बाद कहते हैं, अरे तू कब से भागे जा रहे है, वैसे भी अभी तू जाएगा कहाँ। अरे बड़ी बेचारा अपने सामने बाइक को देखने के बाद कहते हैं, अरे मुझे भागने का कोई मौका नहीं मिलेगा, तो चलो मैं तुम्हारे साथ फाइट ही कर लेता हूँ। और इसी के साथ वो अपने ऊपर वाले मुंह से बाइक की तरफ एक जोरदार बीम को शूट कर देता है। ये देखने के बाद ना बाइक तो बहुत ही आसानी के साथ इसे डॉज कर लेता है और इसे डॉज करने के बाद वो कहते हैं कि चलो मैंने तुम्हें एक मौका दे दिया, अभी ना मेरा बारी है। और ये कहने के बाद ना बाइक बहुत स्पीड के साथ उसके तरफ बढ़ता है, उसके तरफ बढ़ने के बाद ना डिस्ट्रक्शन पावर नाम का एक टेक्निक का यूज करता है, जिसके चलते बाइक के शरीर से बहुत धार धार बिजली ना उस ड्रैगन को जाकर लगने लगता है, जहाँ पे ये लगने के बाद वो ड्रैगन सोच रहा था कि सच्ची में ये भूत ना बहुत पावरफुल है, मुझे ना आज यहाँ से भागना पड़ेगा वरना मैं तो मर जाऊंगा। लेकिन तभी ना पीछे से तो हम लोग का मोहन आ जाते और इसे देखने के बाद अभी वो सोचता है कि अगर यहाँ पे मैं रुक जाऊँ ना तो मेरा सच्ची में खेला खत्म हो जाएगा, मुझे भागना पड़ेगा और मेरे पास एक ही रास्ता है। और ये सोचने के बाद वो जंगल की तरफ भागना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे ना हम लोग को सांप को देखने के लिए मिलता है जो कि सामने ही खड़ा हुआ था और कहते हैं, अरे देखो तो तुम भाग के जाओगे कहाँ, वैसे भी तुम्हें तो मेरे पास ही आना पड़ेगा। अरे बेटी वो ड्रैगन जब जंगल की तरफ जा रहा था तब भी ना हम लोग एक बिनी उसे पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद अपना नया मिला हुआ पावर जो कि डीमोनिक और डिवाइन पावर था दोनों के मिक्स करने के बाद उसका तो खेला यहाँ पे खत्म कर देता है। इसी के साथ नेक्स्ट सीन शुरू होता है, जहाँ पर ना जाओ उसे मरे हुए ड्रैगन के अंदर से उसका कोर को बाहर निकल लेते हैं, जिसे निकलने के बाद वो कह रहा था कि ये कोर ये ना बहुत पावरफुल है लेकिन ये मेरे ड्रैगन का कोई काम का नहीं है, क्योंकि मेरे ड्रैगन अगर किसी का नकल उतरने जाए तो उससे क्या मेरा कोई फायदा ही नहीं हो रहा, लेकिन हाँ अगर मैं इसे बाजार में बेचने जाऊँ ना तो इससे मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा। और इसी के साथ जाओ उठ खड़ा होने के बाद सिंगजू से कह दे कि सिंगजू जल्दी करके चलो ना, वो जो दूसरा वाला आइलैंड है एक बार बस उसमें जाएंगे और घूम के आ जाएंगे, उसके पास ना चले जाएंगे। लेकिन तभी ना सिंह कहते हैं, ना रे बाबा ना मैं वहाँ पर नहीं जाने वाला, वैसे भी वहाँ पर देखो ना क्या लटक रहे। तब भी जाओ देखने के बाद उसे पता चलता है वहाँ पर तो बहुत सारा ओम लटक रहा था और ये ना सच्ची में बहुत पावरफुल था, जो देखने के बाद अभी जाओ कहते हैं, अरे मैं तो मजाक ही कर रहा था, वैसे भी हम लोग यहाँ पे ना बहुत देर हो गई आने हुए, चलो जल्दी करके ना यहाँ से निकल जाते हैं। पर जाते जाते जाओ सिंह से कह रहे हैं कि सिंह मुझे ऐसा क्यों लग रहा है पता नहीं कि ये जो ज़ॉम्बी ड्रैगन है ना ये सब कुछ रेलिक के अंदर से आ रहे हैं, ऐसा नहीं ये लोग ना रेलिक के अंदर जा रहे हैं। जो सुनने के बाद अभी सिंह भी कहते हैं, हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि ये जो ज़ॉम्बी ड्रैगन है ना ये रेलिक के अंदर से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का जो कैपेसिटी है ना ये तो नॉर्मल ज़ॉम्बी ड्रैगन से बहुत ज्यादा है, क्योंकि पहले पहले तो यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बी ड्रैगन हुआ करते थे लेकिन ये जो विलेजर्स है ना ये बहुत आसानी के साथ इन लोगों के साथ निपट जाते थे, लेकिन अभी ना ये सच्ची में बहुत पावरफुल बन चुके हैं। इसी के साथ फिर से सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर ना जाओ और सिंह जो अपने बाकी सारे टीममेट के पास तो आ गए थे, जिन्हें यहाँ पे आते हुए देखने के बाद ना यूसा तो पूछते कि अरे तुम लोग तो अभी अभी गए थे अभी अभी वापस भी आ गए, क्या इतने जल्दी तुम लोग को पानी बनी मिल गया। जब ये सुनने के बाद ना अभी हम लोग का जाओ पूछते हैं, क्या तुम यहाँ पे पागल वागल बन चुके, हम लोग पूरा एक दिन से गए थे। तो यूसा कहते हैं, अरे मैं पागल, हाँ मैं ही पागल बन चुका ना, एक बार तुम्हारा टाइम को तो देखो बाबूआ, वैसे भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम लोगों को यहाँ से जाए हुए बस कुछ मिनटों ही गुजर चुके, जहाँ पे तुम तो कह रहे हो तुम लोगों को जाए हुए एक दिन गुजर चुके, हाँ पागल तो मैं ही हूँ। और ये सुनने के बाद ना जाओ सोच रहा था कि सच्ची में ये बंदी क्या पागल पागल बन चुकी, लेकिन तभी ना पीछे से सिंह जाओ को कह रहे हैं, अरे जाओ मैंने तुम्हें कहा था ना कि रेलिक के अंदर का टाइम ना बहुत अलग गुजरता है, हम लोग जहाँ पे उसके अंदर एक दिन गुजर के आ गए बाहर ना कुछ मिनट ही गुजर चुका है, तो ये ना बहुत अच्छा हुआ। जो सुनने के बाद जाओ कहते हैं, अरे तो ऐसा बात है, अरे मुझे अगर पता चला तो मैं तो कुछ और देर वहाँ पे रह जाता। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। अगर आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना, मिलते हैं और एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और हाँ सही होना।